बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडी मुडीना। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन सेचवान विद वेजिटेबल फ्राइड राइस। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और जिस तरीके से मैंने तैयार की है आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन सेचवान की मज़ेदार सी रेसिपी। और इसके लिए मैंने सबसे पहले 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया है और इसको चकोर साइज़ में काट लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon काली मिर्च और 1 teaspoon ही मैंने इसमें क्रश चिली शामिल की है। अब इसमें 1 अंडा शामिल करूंगी और मैंने इसमें 3 tablespoon शामिल किए हैं कॉर्नफ्लोर के। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको चिकन को 30 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे ताकि ये जो हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो मैंने सबसे पहले ऑयल गर्म कर लिया और इसमें अब एक एक करके ये सारी चिकन के पीसेस को फ्राई कर लूँगी। जब लाइट गोल्डन सा हो जाएगा तो इसे निकाल लेंगे ऑयल में से। अब एक पैन में ये ऑयल गरम करूंगी, तकरीबन मैंने ये 4-5 tablespoon ऑयल के लिए हैं। अब इसमें 1 tablespoon मैंने लहसुन शामिल कर लिया, क्रश लहसुन लिया है। अब इसमें 1 teaspoon मैंने कुटी हुई लाल मिर्च या ये दुकनी मिर्च भी इसे बोलते हैं ये शामिल कर ली है, क्रश चिली भी इसे कहते हैं। 2 tablespoon मैंने इसमें केचप के शामिल किए और 1 tablespoon सोया सॉस शामिल किया है। ये तेज़ आंच पर पकेगी। 1 teaspoon मैंने इसमें ये चिल्ली सॉस शामिल किया था और फिर फ्राई किया हुआ चिकन शामिल कर लिया था। इसे तेज़ आंच पर कुक करेंगे, तेज़ आंच पर पकाने से ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन तकरीबन 3 tablespoon बना था वो काट कर शामिल कर लिया और ये वेजिटेबल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। 1 green chili काट कर शामिल कर ली थी और फिर मैंने गाजर को बारीक बारीक, 1 गाजर ली थी उसको बारीक काट कर उसे शामिल कर लिया था। और फिर मैंने 1 शिमला मिर्च ली थी वो चकोर साइज़ में काट कर शामिल कर ली थी, स्क्वायर साइज़ में। इन सब चीज़ों को इसमें अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कुछ थोड़े से मैंने इसमें मशरूम काट कर शामिल किए थे और फिर मैंने इसमें चकोर ही बंद गोभी काट कर थोड़ी सी वो शामिल की थी और इनको 1-2 मिनट फ्राई किया था। फिर इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, मैंने 1 teaspoon लिया था। उसके बाद इसमें 1/2 teaspoon काली मिर्च शामिल की है और फिर 1 कप चिकन की यहनी ले लें या अगर कनोर चिकन क्यूब्स हैं तो वो पानी में मिक्स करके वो शामिल कर लें, 1 कप होनी चाहिए तकरीबन। और उसके बाद इसमें मैंने 1 tablespoon चीनी का शामिल किया है और 3 tablespoon कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके वो इसमें शामिल कर दूँगी। जब ये हल्का गाढ़ा हो जाएगा, ये देखें जिस तरह ये मेरा गाढ़ा हो गया, तो ये हमारा चिकन सेचवान तैयार है। अब मैं वेजिटेबल फ्राइड राइस तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1/2 cup ऑयल लिया है, उसमें 1 tablespoon मैंने लहसुन का शामिल किया, फिर इसमें बारीक कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च शामिल करके इसे फ्राई कर लूँगी, हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी बंद गोभी शामिल कर लूँगी और 1 teaspoon नमक शामिल किया और 1 teaspoon काली मिर्च का शामिल किया है और 2 tablespoon मैंने इसमें सोया सॉस के शामिल किए हैं। अब मैं बॉयल राइस ये मैंने येलो कलर डालकर बॉयल किए थे इनको शामिल कर लूँगी और इसको 5 मिनट दम पर रख दूँगी। तो
हमारा मज़ेदार सा वेजिटेबल फ्राइड राइस विद चिकन सेचवान तैयार है, और ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आसानी से आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।